नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और हम खड़े हैं आज लोहाना गांव में। लोहाना गांव, हम बता दें आपको जानकारी के लिए, ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के ढहेणा ब्लॉक का गांव है। इसके आसपास सीहा गांव, इधर धवाना गांव, इधर निमोठ गांव और इधर बडोली खालेटा गांवों के बीच में ये गांव पड़ता है लोहाना गांव। और यहां आज एक वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां एक व्यक्ति को जला करके डाला गया है, उसकी डेड बॉडी को। अब वो व्यक्ति कौन है, कहां का है, हम जानकारी लेंगे। यहां से हम बने हुए लोहाना गांव में और ये मौके की जगह बता दें हम, ये निमोट की तरफ लवाना से कच्चा रास्ता जाता है, इस रास्ते के ऊपर ये डेड बॉडी पाई गई है। यहाँ से जानकारी लेंगे हम, किस तरह से कैसे पता चला लोगों को और कौन है, कहाँ के हैं, जो भी जानकारी मिल पाती है वो हम बताएंगे। यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी पहुंच चुका है। यहाँ से जानकारी मिली है कि सीआईए की टीम भी आ चुकी है, डीएसपी साहब भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। यहाँ आप देखिए पुलिस की गाड़ी भी इस तरफ खड़ी हुई है और काफी लोग यहाँ के आसपास क्षेत्र के बने हुए हैं हमारे पास, उनसे हम बातचीत करवाएंगे आपकी। कंटिन्यू चलो, हम बंद भी करूं। एक मिनट रोक। और हमारे साथ यहाँ बने हुए गांव लवाना के सरपंच भी, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या मामला है और किस तरह उनको जानकारी मिली और उसके बाद क्या इनकी कार्रवाई रही। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। सर कब आपको पता चला इस बारे में? मेरे को पता चला 7 बजे के लगभग जी। हमारे गाँव के घूमने फिरने वाले बंदे हैं तो उन्होंने मेरे पास फोन किया, मैं 5-7 आदमी लेकर के ठग पहुंच गया जी। मैंने इन्फॉर्मेशन दी पीसीआर को 112 नंबर पे, उसके बाद ऐसे तो खोल को बता दिया जी। करीब 7 बजे की बात है ये? हाँ करीब 7 बजे की। तो उसके बाद गांव के बंदे आने लगे, इकट्ठे हो गए जी, पीसीआर आ गई, ऐसे तो खोल आ गए और तकरीबन सभी 112 फोन करने के कितनी देर बाद आ गई थी यहाँ पे? करीब 15-20 मिनट के। 15-20 मिनट में? और खोल थाना पुलिस वो भी उनके बाद में आ गए, तुरंत ही आ गए थे। तुरंत ही आ गए थे, इलाके की जानकारी ले ली जी। आपको यहाँ से काफी लोग बने हुए हैं आपके पास, यहाँ आपके गांव में इस तरह की वारदात हुई है, तो कोई अंदेशा, कोई अंदाजा इस तरह का कि कौन व्यक्ति है, कहाँ से हो सकता है कोई? नहीं, नहीं, मेरी नजर में ऐसा कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं वो ठहराऊंगा कल जी। आप मेरे गांव में फर्स्ट वारदात हुई है, ऐसा केस पहला हुआ है जी, इससे पहले कोई केस नहीं हुआ। नहीं, जैसे कि आपको खबर लगी है 7 बजे के करीब, जिन्होंने फोन किया उन्होंने बताया होगा आपको, सबसे पहले यहाँ कब किस टाइम देखा इनको? वो 7 बजे के लमसम देखा था, करीब 7 बजे देखा गया है। तो कोई अंदेशा बताया हो कि रात की कब की घटना, जैसे यहाँ कोई चर्चा हुई हो, किसी ने रात को यहाँ से कोई गुजरा हो तो पता चला हो, क्योंकि यहाँ कुछ बातें हो रही थी कि 1 बजे कोई व्यक्ति यहाँ से आया था, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था यहाँ कुछ भी नहीं था जी। ये मैं कह भी नहीं सकता क्योंकि किसी ने बताया नहीं, 7 बजे पता चला है, पता 7 बजे चला है। तो अभी तक इसका कोई कुछ पता चला नहीं है कि कौन है, कहाँ का है, कैसा है, किस तरह ये हुआ? नहीं जी, अभी तक कोई पहचान नहीं जी। ये गांव के सरपंच है, इन्होंने बताया हमें कि इनको 7 बजे यहाँ खबर मिली थी और इस तरह की वारदात आज से करीब महीना भर भी नहीं हुआ है। बडोली गांव के आसपास भी एक इसी तरह की घटना, एक गला रेत कर एक व्यक्ति को मारा गया था जिसकी उम्र करीब 35 साल बताई गई थी, और आज इसी तरह की और जघन्य घटना हमारे इस क्षेत्र में आज फिर से हुई है। क्यों इस तरह की वारदातें हो रही है, कौन इनका जिम्मेवार है और कैसे ये वारदातें होती है और किस तरह से एक इंसान को कीड़े मकोड़ों की तरह आज मारा जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन आया हुआ है, हम बात करवाएंगे उनसे भी। Oh.
मिले थे जी हाँ हाँ मैं नहीं हुआ तो आया था।